हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार। आज हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ। बच्चे दोनों बैठ गए हैं गाड़ी पे। ये देखिए, ये दोनों हो गए हैं तैयार। हन्नी कहाँ गया? हन्नी कहाँ है? हाय बोलो, हाय करो। तो हम जाते हैं अभी मार्केट की तरफ। थोड़ा बहुत करवा चौथ का सामान लाना है। अनु ने भी अपने लिए बालों के रबड़ वगैरह लेके आने हैं। हाय बोलो, हाय हाय। तीनों के मास्क। और हन्नी का मास्क कहाँ गया? हन्नी, और आपके गॉगल्स कहाँ गए? गॉगल्स टांगे हुए हैं। ठंडी हवा है अभी। क्या क्या लेना है हन्नी आपने? हन्नी ने तो लिस्ट बना रखी थी बहुत लंबी चौड़ी। क्या लेना है? अच्छा, क्या लेना है आपको? अरे मुझे याद है, जो क्या लेना है? याद है? अच्छा बताओ जरा इन्हें क्या लेना है। बताओ ना। नहीं बताओ ना। लूडो। अच्छा, आज इसकी लूडो की फरमाइश कर रखी। लूडो लेनी है? अच्छा, और परसों क्या लिया था? अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर सैड, पता नहीं क्या क्या लेता रहते अभी। साइकिल भी ले ली। आप बोल रहे की वो लेना है? ठीक है। आज हमारी गाड़ी हो गई है ख़राब, तो हम जा रहे हैं आज पैदल। गाड़ी देखो वहाँ पे खड़ी है, पापा भी आ रहे पीछे से। पैदल जाना पड़ेगा आज। चलो आ जाओ अनु। अन्नी आ जा, नानी आ रही है अभी। चलो पैदल चलते हैं, धूप भी कमी है वैसे लगी हुई। तो नानी, मैं, हन्नी और अनु, हम तीनों जाएंगे पैदल। नानी कहाँ गई? नानी आ रही है अभी। पता नहीं क्या हो गया आज गाड़ी को, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। मैकेनिक बुला रखा है पापा का। चलो फिर आज पैदल यात्रा। रोड यहाँ तक कच्ची है, मैंने बोला था। हाँ मंदिर तक तो है ही ऐसी। कोई नहीं, धूप इतनी ज्यादा है नहीं अभी, चले जाएंगे हम। कोई बात नहीं, अभी नहाना ना, मैकेनिक से ठीक कर देंगे ना गाड़ी। तब तक ठीक हो जाएगी, तब हम आपके समय आ जाएंगे। चलो चलो आगे, चलो आगे चलो। मास्क जेब में रख, मास्क वहाँ पे पहनेंगे। अभी थोड़ा घुटन हो रही है यहाँ पे ना। यहाँ पे पहुँच गए हम। अब मार्केट आने वाले, थोड़ा ही है, ज़्यादा तो नहीं है। ये देखिए इतना रह रखा। अब बार बार प्यास लग रही है, बच्चे पानी पी रहे हैं बार बार। दिखा अंकल, आप पैर ले, पेन आप पेन आप पेन गॉगल्स उठा ले अपने। ठीक है नहीं पहन के देख दोनों। अब चल जा रहा, इधर चलो। पैंट भी बेचे, चप्पल भी बेचे। अब ठीक तो है, देख बस। अरे वाह, ठीक है लगा। और यहाँ पे सबसे पहले हमने शुरुआत की है हन्नी की चप्पल से, क्योंकि हन्नी की जो चप्पल है वो टूट गई थी घर में डेली यूज़ की, तो वही मतलब पहन के बता रहा था। मैंने कहा चलो पहले सबसे पहले चप्पल ही ले लेते हैं, बाकी के काम धीरे धीरे होते रहेंगे। और यहाँ पे एक अंकल जी की शॉप है, यहीं पे रानी पोखरी में है ये। अभी मार्केट में नहीं है, अंदर की तरफ है ये। तो ये दिखा रही हूँ मैं आपको, ये दुकान है यहाँ। मतलब ज़्यादातर चप्पलें मैं यहीं से लेती हूँ। और देखिए मार्केट किस तरह सजा हुआ है आज, रानी पोखरी मार्केट। बहुत अच्छा लग रहा था। करो चौथ का सामान है, और मतलब जैसे अहोई का व्रत भी आने वाला है, तो उसके भी मतलब सामान रखे हुए हैं। तो ये जस्ट मतलब बाहर की तरफ है ये मार्केट। और मम्मी ने यहाँ पे एक पत्थर लेना था जो छोटा सा रहता है बाथरूम वगैरह के लिए, तो वही ले रही थी। मैंने तो यहाँ से कुछ नहीं लिया फ़िलहाल, तो मम्मी ने लिया था, तो मम्मी वही ख़रीद रही थी। मैंने कहा मैं आगे से लूँगी, एक आंटी जी है वहीं पर। अच्छी लग रही ना, कितनी प्यार लग रही, देखने में कितनी सुंदर। अरे दूसरी वाली, ये वैसी है, सेम है। पर ऐसे एक बार जैसे ना, एक एक बार, हाँ हर बार के लिए आ जाते काम सामान। क्या चीज़? और ये आ गए हम इस वाली दुकान में। ये आंटी जी की है मेन, मतलब रानी पोखरी में है ये। तो मैं मतलब आईब्रोज़ वगैरह, जैसे पार्लर वगैरह का मतलब सारा काम यहीं से करती थी, तो
तो यहाँ पे ये मतलब ठीक लगा देते हैं, पुरानी जान पहचान भी है, तो मैं यहीं से ले जा रही थी ये सामान। और इस बार मैंने ये वाली भी ली है, मतलब ये वैसे मेरे पे ऐसा नहीं था, दूसरा था एक चलनी रहती है सिंपल सी, लेकिन मुझे ये पसंद आ रही थी। महंगा तो बोल रहे थे कि 450 रुपये की है, तो फिर मैंने कहा चलो एक बार ले लेते हैं, मतलब बार बार नहीं लेना है फिर। और वैसे भी मेरे पास पहले स्टील वगैरह की तो थी ही, तो मुझे ये अच्छी लग रही थी, मैंने ले ही ली। मैंने कहा चलो अच्छी लग रही है देखने में। और यहाँ पे फिर मेरे जैसे छोटे मोटे सामान होते हैं, नेल पॉलिश कड़े वगैरह, तो वो देख रही थी, दुकान इन्हीं की है ये भी, अभी यहीं पे हैं हम, तो यहाँ पे कड़े वगैरह देख रही थी मैं, मम्मी के लिए भी अपने लिए भी। और जब मैंने कहा आ ही जाओ तो पूरा सामान लेके जाओ, बार बार कौन आता है, क्योंकि फिर मार्केट में ऐसा होता है ना पूरा दिन लग जाता है। तो अन्नु हन्नी वहीं पर बैठे हुए थे, पीछे से पापा भी आ गए थे। फिर जब हमने ये छोटा मोटा सामान मतलब कॉस्मेटिक का ले लिया था, तो यहाँ पे आ गए थे हम कुर्ती वगैरह लेने, क्योंकि मैं हर साल मतलब करवा चौथ में पहनती हूँ कोरा कपड़ा। तो यहाँ पे इन दीदी की भी दुकान है कपड़ों की, ये अंदर की ही तरफ है रानी पोखरी में। और तो मैं यहाँ पे ये कुर्ती देख रही थी, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो लेना ही है। वैसे ऋषिकेश जाना था लेकिन ऋषिकेश जाने का टाइम नहीं लग पाया, तो मैंने कहा चलो मैं यहीं पर ले लूँ। तो यहाँ पे ये दो तो प्लाजो टाइप में टंगे हुए हैं, ये थोड़ा कॉस्टली थे, 900 तक के बोल रहे थे ये, तो इनके साथ पूरा सेट है बना हुआ। और जो ये नीचे थे रखे हुए, ये कुर्ती टाइप में थी, तो मैं सोच रही थी एक बार लेने ही है प्लाजो, तो मैंने कहा मैं लेके ही जाऊँ। तो एक तो जो ये वाइट वाला है सामने लगा हुआ है येल्लो में और वाइट में, ये मुझे अच्छा लग रहा था। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा करवा में तो वाइट वाले कपड़े पहनते नहीं हैं, तो फिर वो बेकार हो जाएगा, डेली यूज़ के लिए तो ठीक है। तो मैं फिर पहले मैंने कहा कुर्ती ही देख लूँ, तो कुर्ती ट्राई कर रही थी, मैंने कहा जो ही पसंद आ जाए, क्योंकि कोरा कपड़ा बोलते हैं तो हर साल लेना ही पड़ता है। तो यहाँ पे ये तो प्रिंटेड थे, ये भी अच्छे लग रहे थे, लेकिन मुझे फिर पसंद नहीं आए। ये एक दो बार मैंने ट्राई किए हैं, मैंने देखे भी हैं, फिर मेरे को लगे नहीं अच्छे। अब जा रहे हैं हम घर की तरफ। कितने बज गए इस टाइम? टाइम दिखा, टाइम हो गया 2:30 12 बजने वाली हूँ, कैसे हो? देखो तेरा दिमाग सही है, 11:59 हो रही तब से। अच्छे हैं, पापा ने टाइम गलत कर रखा उसमें, 2:30 बज गई। अरे 3:45 3:45 बज गई, बताओ इतनी देर लग गई, 11 बजे आ गए तुम घर से, शॉपिंग पूरी नहीं हो रही। हनी नमस्ते कर दादी को, नहीं करे इसने, हाँ पैर छू के कर। और यहाँ पे जैसे ही हम घर पहुँचे, तो मेरी जो सासू माँ जी है वो भी आ चुकी थी, उसके पापा का भी फ़ोन आ गया था मार्केट में ही, तो ये पहुँच गए थे 2 बजे के लगभग, तो पहुँच ही गए थे ये घर पे। हमारा ताला लगा हुआ था, लेकिन पापा फिर चाबी देने आए थे, मैंने कहा हम थोड़ा देर में ही आएंगे। तो यहाँ पे मतलब 6 बजे टाइम लगा है मुझे फिर इनके साथ बैठने का, उसके पहले जो काम होते हैं वो निपटाए हैं सारे, कपड़े वगैरह थे धोने के लिए, खाना खाया था, तो मैंने कहा फ्री होके बैठूँगी। और आज मैं आपको अपना सामान नहीं बताऊँगी, वो मैं कल की वीडियो में बताऊँगी, आज थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं अपनी वीडियो का एंड मुझे यहीं पर करना होगा। कल मिलती हूँ मैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, क्या क्या लिया है, तो ज़रूर देखिएगा मेरी जो ये नेक्स्ट वीडियो आएगी। और ये है मेरी सासू माता जी, गांव से आई हैं, इसके पापा, हन्नी के पापा और मतलब नाना नानी बाहर टीवी देख रहे थे, तो मुझे आज अपनी वीडियो का एंड यहीं पे करना होगा। फिर मिलती हूँ मैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, ओके बाय बाय।